देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। खबर आ रही है गोंडा से। आकाशीय बिजली गिरने से एक 14 वर्षीय बालिका की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। कौड़िया थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत छौनाहा कटुआ नाला निवासी अयोध्या प्रसाद की पुत्री रोशनी जानवरों के चारा के लिए खेत में गन्ने छिलने गई थी। सुबह 10:30 बजे गन्ना छिलकर वापस आ रही थी कि रास्ते में अचानक आसपास आकाशीय बिजली गिरने से मौके पर ही मौत हो गई। परिजनों में कोहराम मच गया। घटना की सूचना गाँव के लोगों ने स्थानीय थाना को अवगत कराया। सूचना पाते ही थाना अध्यक्ष कौड़िया अजय कुमार सिंह व SDM करनैलगंज रामाशंकर वर्मा, राजस्व निरीक्षक दुबहा बाजार देवता दीन वर्मा व हल्का लेखपाल कमला प्रसाद हल्का आदि मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नाम है आपका? रामाकांत वर्मा। अच्छा, ये कहाँ, यहाँ क्या मामला है? यहाँ सुबह लगभग 9 बजे आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्ची की मृत्यु हो गई है। हम लोग मौके पर सूचना पाते ही तत्काल पहुँच गए। आने से उनको सूचना लेकर के इनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है और उनको दैवीय आपदा मद से पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त होने पर 4 लाख सरकार की तरफ से। अच्छा, फिलहाल अभी जो है परिवार को कोई मतलब जो है शासन की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा सांत्वना कुछ मतलब वो आदेश नहीं है देने का ना? जो मिलेगा मिल जाएगा। अच्छा, तत्काल अभी हम लिख के भेज दें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई तत्काल सूचित। अच्छा, कितने दिन तक आशा किया जाए परिवार को जो है मुआवजा मिल जाएगा? रिपोर्ट मेरी पोस्टमार्टम आने के साथ ही पहुँच जाएगी। सुबह 2-4 दिन के अंदर जैसी जिले की स्थिति होगी। जी हमने बता दिया, पैसे भी आ ही गया, मंगा लिए, पैसा आने के बाद तत्काल। जी ओके। SDM करनैलगंज रमाकांत वर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अगर आकाशीय बिजली से मृत्यु हुई है तो परिवार को प्राकृतिक आपदा की राशि तकरीबन 4 लाख दी जाएगी। वो हमारा प्रशासन परिवार के साथ हर मदद के लिए तैयार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुनील कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।